आइडिया नहीं आ रहा, कोई वीडियो आइडिया आ जाए। हे व्हाट इज अप कंटेंट क्रिएटर्स, क्या आपकी भी यही प्रॉब्लम है? आपके पास वो वीडियो आइडियाज नहीं आते जिस पर व्यूज आते हैं? लगता तो यही है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे वीडियो आइडियाज बताऊंगा जिन पर गारंटीड व्यूज आएंगे। गारंटीड मतलब गारंटीड। ये एक टेक्निक है जिससे पता चल जाता है कि कौन सी वीडियोस कब ब्लो होंगी और उन पर कितने व्यूज आ सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट आपको पता चल जाएगी। और अगर आप एक नए क्रिएटर हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अगर मैं ऐसी वीडियोस बता दूं जिनकी मिनिमम लिमिट ही 1-1 हज़ार व्यूज की हो, तो आप उन्हें जरूर बनाएंगे, है ना? तो इस वीडियो में हम एक टेक्निक की मदद से 6 उसके डिफरेंट वेज देखेंगे कि कैसे आप 6 डिफरेंट तरीकों से कंफर्म कर सकते हो ये वीडियो वायरल होगा या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। नंबर 1, टेक्निक का नाम क्या है? टेक्निक का नाम है द सर्च एंड सर्च टेक्निक। अब इसका मतलब क्या होता है? सर्च का मतलब सबको पता है, जो रैंक हो जाए वीडियोस उनके लिए। सर्च सर्च का मतलब होता है वीडियोस जो ब्राउज फीचर सजेस्टेड और भी काफी सारे अदर यूट्यूब फीचर्स में चली जाएं। तो हमें इन दोनों में देखना है कि कौन सी वीडियोस किधर जाएंगी और कितने व्यूज लाएंगी, ठीक है? तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं हमारी टेक्निक के स्टेप नंबर 1 की तरफ। हमारी टेक्निक का जो स्टेप नंबर 1 है वो बहुत सिंपल है। एक वेबसाइट है जिसका नाम है ऊबर सजेस्ट। ऊबर सजेस्ट एक वेबसाइट है जिसमें आप सर्च करोगे, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आप उस वेबसाइट पर जाके कीवर्ड एक्सप्लोरर पर जाओ और आप उधर अपना कीवर्ड सर्च करो, जैसे फॉर एग्जांपल हाउ टू गेट मोर व्यू। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप का नाम है आस्क द पब्लिक। अब यार ये एक ऐसा टूल है, आपको आस्क द पब्लिक पर जाना है और यहाँ पर सर्च करना है जो भी आपका कीवर्ड है। मैं बहुत छोटा कीवर्ड सर्च करूंगा, फिटनेस, और अब आप देख सकते हो इसने मेरे को इतने सारे वीडियो आइडियाज दे दिए। इन्हें मैं सर्च और सर्च दोनों में डाल सकता हूँ। मेरे को जौन सा वीडियो आइडिया सही लगेगा मैं उसे सर्च करूंगा, अगर उस पे रैंक होने की ताकत होगी तो मैं ऊबर सजेस्ट पे भी जाके कंफर्म करूंगा, और अगर नहीं तो मैं सर्च में डाल दूंगा। तो आप आस्क द पब्लिक और ऊबर सजेस्ट को कंबाइन करके यूज कर सकते हो, और इस पे आप कोई एक वर्ड भी डाल दोगे तो भी आपको काफी सारे इस फॉर्म में, ट्री फॉर्म कहते हैं शायद से, या फिर कनेक्टेड फॉर्म में आपको काफी सारे वीडियो आइडियाज मिल जाएंगे, ठीक है? अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप है vidIQ। vidIQ आप यूज कर सकते हो या ट्यूब बडी भी कर सकते हो। आपको क्या करना है, इधर जाना है और इनके कीवर्ड एक्सप्लोरर्स पे जाना है। अब आपको सिर्फ अपने जो कीवर्ड्स हैं, सिर्फ जैसे गेट मोर व्यूज, अगर मैं सिर्फ यही सर्च कर दूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा इसका स्कोर क्या है, इस पे सर्च वॉल्यूम कितना आता है, इस पे कंपटीशन कितना है, और अगर आपने इसका कोई वर्जन खरीद रखा है तो आपको ये काफी ज्यादा अच्छा पड़ेगा और काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आप ट्यूब बडी का भी ट्राई कर सकते हो, उसमें फ्री ट्रायल्स भी रहते हैं। इसमें सिर्फ 3 कीवर्ड आते हैं, उसमें काफी सारे आपको मिल जाएंगे और उसमें फ्री ट्रायल्स भी 15 दिन के होते हैं, तो आप उन्हें भी ट्राई कर सकते हो। तो इनमें आप क्या कर सकते हो, इसे भी हम सर्च के अंदर डालेंगे। अभी के लिए जो हमने 3 स्टेप देखे उसमें से विडाई और ऊबर सजेस्ट थे सर्च में और आस्क द पब्लिक था सर्च में। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप इज फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स चैनल। अब इसका मतलब क्या है, हमारा जो कॉम्पिटिटर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे ही नीच में हो तो आप मेरे चैनल पर आओ, मेरी मोस्ट पॉपुलर वीडियोस देखो कि ये कितने टाइम में कितने व्यूज लाई हैं, और उसे कंपेयर करो और थोड़ा बहुत रैंकिंग वैंकिंग देखो उनकी, और चेक करो कि इस बंदे की ये वीडियोस ब्लो अप हुई हैं तो ये मेरी भी हो सकती हैं, तो इनसे आपको मिलेंगे ढेर सारे व्यूज। तो आपको बस अपने कॉम्पिटिटर के चैनल पर जाना है, देखना है उसकी कौन सी वीडियो सबसे ज्यादा व्यूज ला के दिया है उसे बहुत कम टाइम में, ठीक है? तो इससे क्या होगा, आपको ज्यादा व्यूज भी मिलेंगे और हो सकता है कि आप उस वीडियो में सर्च में चले जाओ। तो इसके सर्च में जाने के लिए, यानी कि सजेस्ट में जाने के लिए, आपको बहुत सिंपल सी चीज करनी है, उस वीडियो के 2 पार्ट बनाने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक वीडियो देखा मेरा, ये कॉपीराइट फ्री वीडियोस का, आप इसकी बनाओगे 2 वीडियोस। पहले पार्ट में क्या होगा, आप सिर्फ 3 वेबसाइट के बारे में डिटेल में बात करोगे और वो दोनों वीडियोस मेरे वीडियो से लंबी होनी चाहिए, यानी कि अभी के लिए आप थोड़ी लंबी वीडियोस बनाओगे। तो उससे क्या होगा, अगर आपने 10-10 मिनट की भी 2 वीडियोस बना दी और वो दोनों सेम कनेक्टेड है तो वो मेरे सजेस्टेड में आएंगी मेरी वीडियोस के, और उससे क्या होगा, आप पे ज्यादा क्लिक्स आएंगे
और आपको ज्यादा व्यूज भी मिलेंगे और आपकी दोनों वीडियो ब्लो अप हो जाएंगी। तो ये थोड़ा सा आप दिमाग लगा सकते हो। तो अभी तक हमने विडाई क्यू ऊबर सजेस्ट को डाला सर्च में और सेम चैनल और आस द पब्लिक को डाला सर्च में। अब बढ़ते हैं लास्ट की तरफ जो कि है सर्च का ही है, उसका नाम है YouTube ऑटो सजेस्ट। तो आप इनकॉग्निटो मोड ऑन करो, अपने YouTube पर जाओ और जो भी कीवर्ड डालना है आपको डालो, और आपको जहां पे लगता है कि यहाँ पे मुझे कोई और वर्ड डालना है बीच में, वहां पे आप अंडरस्कोर डाल के स्पेस मार दो। इससे क्या होगा, आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि यहाँ पर आपको काफी सारे वो आइडियाज दे देता है कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे मैंने हाउ टू यूट्यूब सर्च कर दिया और अंडरस्कोर डाल दिया बीच में, तो अब मेरे को इतने सारे वीडियो आइडियाज मिलेंगे जहां पर मैं रैंक कर सकता हूँ। तो इधर से मेरे को काफी ज्यादा व्यूज आएंगे और मैं शायद काफी अच्छा ग्रो भी कर जाऊं। तो आपको इन पांच चीजों को तो करना ही है। अब मैं आपको एक बोनस टिप दे देता हूं। बोनस टिप बहुत सिंपल है, आप अपनी कम्युनिटी टैब और अपने कमेंट्स को पढ़ सकते हो नए वीडियोस के लिए, क्योंकि इससे आपको क्या पता चलेगा, कम्युनिटी टैब में आप तीन चार ऑप्शन डालो ऑडियंस के लिए, वो जिसे सेलेक्ट करेंगी आपको बस उसी पे वीडियोस बनाते जाना है। और नहीं तो आप क्या कर सकते हो, सजेस्ट मी सम वीडियो आइडियाज, ये भी डाल सकते हो। और कमेंट्स में आपको काफी सारे डाउट्स मिलेंगे लोगों के दूसरों की वीडियो के कमेंट्स में, और उन्हें रिप्लाई करके बता सकते हो अगर वो दूसरे चैनल पे है कि भाई मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बना दिया, तो तुम चेकआउट कर सकते हो। और अब फाइनल जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7, उसकी बात कर लेते हैं। बोनस थोड़ा पहले दे दिया इस बारी के लिए, एक लाइक बनता है, ठीक है। अब जो पॉइंट नंबर 7 है उसे ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है, आपको ट्रेंडिंग वीडियोस बनानी है। फॉर एग्जांपल अभी आईपीएल का ट्रेंड है, तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपका मेरा वाला नीच है, तो आपको वीडियो बनाना है आईपीएल से रिलेटेड अगर, तो आप क्या करोगे, आपको उसे अपने हिसाब से इंटरप्रेट करना है कि आईपीएल से पैसे कैसे कमाएं, या आईपीएल देख के पैसे कमाएं, आईपीएल कैसे देखें, आईपीएल देखने से यूट्यूब पर कैसे ग्रो, मतलब ऐसे आपको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करो। तो आपको भी ऐसे काफी सारे चैनल्स आप देख सकते हो आज की डेट में, जैसे बोर्ड एग्जाम कैंसिल हुए तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना सकता था कि भाई तुम्हारा एग्जाम कैंसिल हुआ, अब यूट्यूब पे फोकस कर सकते हो, स्किल डेवलप कर सकते हो। तो आपको भी इंटरप्रिटेशन आना चाहिए, इंटरप्रेट करने के बाद आप अपने कंटेंट में भी उसे डाल सकते हो। और ये 100% है कि अगर आपने इंटरप्रेट करना सीख लिया उसे, तो आपको व्यूज मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई नहीं रोक सकता आपकी ग्रोथ को। और अगर आपको विडाईक्यू या ट्यूबबडी यूज करना सीखना है कीवर्ड एक्सप्लोरर का, तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हो, मैंने एक्सप्लेन किया पूरा डिटेल में। और आपको मोनेटाइज होना है अगर 30 दिन के अंदर अंदर, तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपको पूरा प्लान मिल जाएगा कैसे मोनेटाइज होना है 30 दिन के अंदर। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, फिलहाल तो आप इनमें से कहीं जा रहे हो तो यहीं मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।